और 10:39 तक भाई मतलब 11 के आसपास हम मान के चलो, और इतनी देर में हमने 50 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर किया है। कहते तो ये जो सिस्टर हैं वो हम लोग को लेके जाएंगी आगे तक, मतलब आगे नहीं घर दिखा देंगी। दैट्स इट, और हम लोग चल रहे हैं भाई होंग विलेज में, अभी घूम रहे हैं। और यहाँ पर अभी लोग ज़्यादा लोग हैं नहीं क्योंकि सभी लोग खेती के लिए गए हैं। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी भाई हम सेपा सिटी से बाहर आ गए। आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हम लोग गए थे निशी ट्राइब्स देखने के लिए, और अभी हम लोग सेपा सिटी से बाहर आ गए। और सेपा सिटी से बाहर आने के लिए भाई काफ़ी टाइम लगा, हम लोग 2 किलोमीटर के आसपास ऊपर आए, उसके बाद इस गड्ढी में लिफ्ट मिला। और अभी हम लोग 0 पॉइंट जाएंगे, फिर वहाँ पर भी कई सारे ट्राइब्स है, तो वहाँ 0 एक जगह का नाम है जो ईटानगर से काफ़ी आगे पड़ता है, तो वहाँ पर हम जाएंगे और वहाँ पर जो ट्राइब्स है उसके एक्सप्लोर करेंगे। अब देखते हैं वहाँ पर कौन सी ट्राइब्स है, कुछ आइडिया नहीं है। और इधर भाई अपना पूरा सामान है, और फिलहाल चलते हैं यहाँ पर, देखो सामने पैराग्लाइडिंग हो रही है, तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ देखते हैं भाई क्या सीन है, और उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ पर भाई पैराग्लाइडिंग की जो है ट्रेनिंग चल रही है, और इसकी हाइट देखो भाई, हाइट कितना होगा इसका, यहाँ पर भाई पैराग्लाइडिंग की जो है ट्रेनिंग चल रही है, और 3,500 फीट हाइट है, और यहाँ से ट्रेनिंग चल रही है जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। और ये गड्डी है, यहाँ पर हम लोग बैठ जाते हैं और चलते हैं भाई 0 पॉइंट की तरफ और एक्सप्लोर करेंगे वहाँ की ट्राइब्स। हम लोग जिस गाड़ी में आ रहे थे, जिस पिकअप में बैठे थे, सेपा से होज तक आए, और होज यहाँ तक जो है 173 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस हमने आज कवर किया है। और यहाँ से जो ये रूट जा रहा है ये ईटानगर के लिए जा रहा है, और हम लोग को जाना है ऊपर 0 पॉइंट पर, जैसे कि ये रूट जो जाएगा वो 0 पॉइंट पर जाएगा। और 0 यहाँ से है 70 किलोमीटर, और हमें वहाँ पर एक मतलब ट्राइब से उसे कवर करना है, और उसके बाद हम फिर फासीघाट के आसपास जाएंगे। मतलब फासीघाट से पहले एक बसार जगह है, वहाँ पर जाना है, और बसार में भी 2-3 ट्राइब से, तो उसे भी कवर करना है। और फिलहाल आज देखते हैं भाई क्या प्लान बनता है, क्योंकि अभी 4 बज गए हैं और 1 घंटे का टाइम है। अगर लिफ्ट मिल गया तो फिर आगे हम लोग जा सकते हैं, अगर नहीं मिला तो फिर हो सकता है कि इधर ही कहीं आसपास में कैंपिंग करेंगे। देखते हैं भाई कौन सी लोकेशन पर करें, बाकी जो भी होगा भाई मज़ा आने वाला है। गाड़ी वगैरह तो आ रही है, बट पता नहीं लिफ्ट मिलेगा या फिर नहीं, नो आइडिया। और इसमें ऑलरेडी बैठे ही हैं लोग, काफ़ी लोग, तो यहाँ से चेक करते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं, फिर देखते हैं भाई 0 तक अगर पहुँच गए तो 0 आज रुकेंगे, अदरवाइज फिर बीच में कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग गाइज, तो अभी हम लोग भाई देखो होज में रुके हैं, और यहाँ पर हम लोग कैंपिंग करे थे, और ये हमारी कैंपिंग की लोकेशन है। और होज देख सकते हो कि भाई होज काफ़ी बड़ा नहीं है, यहाँ पर मतलब 10-15 ऐसे मतलब घर होगा, 15-20 होगा, इससे ज़्यादा नहीं। और हमारे नीचे जो है नदी है, और यहाँ से अभी हम लोग निकलेंगे एक ट्राइब्स को एक्सप्लोर करने के लिए जो 0 में है, और 0 यहाँ से भाई 70 किलोमीटर के आसपास है। तो चलते हैं भाई, अभी तो एकदम सवेरा हुआ है, और निकलेंगे भाई होज के लिए, और सबसे पहले अपना कैंपिंग टेंट वगैरह को फोल्ड कर लेते हैं, फिर निकलते हैं भाई आगे। हम लोग जिस रूट से आ रहे हैं ना भाई, पता है आपको, हम होज में रुके थे रात को, हमने कैंपिंग करा था, धूप बहुत ही ज़्यादा लग रही है, और होज में हमने कैंपिंग करा था, और होज से हम यहाँ तक आए 50 किलोमीटर। और आपको पता है कि अभी हम लोग जा रहे हैं ट्राइब्स देखने, एक्चुअली अभी हम लोग का प्लान है कि जितनी ज़्यादा ट्राइब्स हो सके कवर करें, और भी जो घूमने लायक जगह होगी वहाँ भी जाएंगे। तो ट्राइब्स यहाँ से हमें जो कवर करना है वो यहाँ से 0 पॉइंट पे है, 0 के आसपास में ट्राइब है, और फिर उसके आगे बसार है, और यहाँ से बसार वैसे 350 किलोमीटर के आसपास है। तो फिलहाल हमारा प्लान है 0 तक, लेकिन अभी हम जिस पॉइंट पर हैं भाई यहाँ 50 किलोमीटर, तो हमें होद से यहाँ तक आने में भाई, हम वहाँ 7 बजे का निकले थे, और अभी मैं आपको टाइम दिखा रहा हूँ, ये देखो 10:39 हो रहा है, और 10:39 तक भाई मतलब 11 के आसपास हम मान के चलो, और इतनी देर में हमने 50 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि रोड पूरा वहाँ से यहाँ तक भाई सारे रोड मतलब कि समझ लो कि रोड का काम चल रहा है, रोड बन रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गई, हालत ख़राब हो गई भाई। लिफ्ट मिली थी पहले हम लोग को 20-30 किलोमीटर के लिए, तो वो मिला था हमें एक पिकअप वैन में, पिकअप के बाद काफ़ी मतलब एक कार में मिली, उसके बाद फिर एक कार में, अरे एक ट्रक में मिला, 3 लिफ्ट के बाद हमने 50 किलोमीटर दूरी तय करी। और अभी जाएंगे हम लोग 0 यहाँ से 20 किलोमीटर है, देखते हैं भाई। और ये देखो अभी भी इधर रोड का भी काम चल ही रहा है, और हम लोग इधर से आ रहे हैं, देखो नीचे की साइड से आ रहे हैं, देखते हैं भाई
हम लोग जीरो पहुँच कर और वहाँ पर एक ट्राइब जाएंगे देखने, उस ट्राइब देखो नाम याद नहीं आ रहा, अभी चल के मैं आपको बताता हूँ, और देखते हैं वहाँ से हमें आज बसार के लिए निकल पाते हैं या फिर हमें वहाँ पर रुकना पड़ रहा है, लेट्स सी भाई। जीरो भाई हम आ गए, जीरो जो सिटी है वहाँ पर आ गए, और नीचे की साइड जो है जीरो टाउन था, हम लोग वहाँ गए नहीं। और यहाँ से देखो ये है भाई बोर्ड, वेलकम टू हॉन्ग विलेज, और हमें हॉन्ग विलेज जाना जो यहाँ से 8.3 किलोमीटर शो कर रहा है। तो देखते हैं भाई कैसे अभी जाते हैं, यहाँ से वॉक करके तो बहुत ही लंबा पड़ेगा, बट देखते हैं क्या सीन होता है। अभी हम लोग हॉन्ग बस्ती में आ गए और यहाँ पर पता कर रहे हैं जो मतलब उस चीज़ के बारे में बता सके, जैसे ये सभी लोग ऐसे आपतनी ट्राइब से ही है, आपतनी ट्राइब का नाम है, और यहाँ से ही सभी लोग हैं। और हम लोग बस ये देखो ये है कुछ भाई हॉन्ग बस्ती कुछ है, और हम लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं भाई जो बता सके इसके बारे में डिटेल पूरा बता सके। अभी देखते हैं भाई कोई अगर ऐसा मिल जाए जो आपतनी ट्राइब के बारे में बता सके तो आपको बताते हैं भाई, देखते हैं अभी क्या होता है। यही तो नहीं दिखाए थे लोग, मदद कर रही है। अभी देखते हैं हम लोग आगे जाना यहाँ। तो भाई रास्ता तो ऐसे हम लोग को पता नहीं है, लेकिन अभी एक दुकान पे हम लोग रुके थे, तो ये जो सिस्टर हैं वो हम लोग को लेके जाएंगी आगे तक, मतलब आगे नहीं घर दिखा देंगी, दैट्स इट। और हम लोग चल रहे हैं भाई हॉन्ग विलेज में, अभी घूम रहे हैं, और यहाँ पर अभी लोग ज़्यादा लोग हैं नहीं क्योंकि सभी लोग खेती के लिए गए हैं, घर से बाहर ही हैं सभी लोग। अरे हाँ वो है ना। हाँ तो अभी मतलब हम बोलेंगे समझ लेंगी आपको, वो तो समझाना पड़ेगा जी। हम लोग आपतनी ट्राइब्स को एक्सप्लोर करना है, मतलब जानने आए इस आपतनी ट्राइब्स के बारे में आप लोगों के, तो बताएंगे तो आप बताएंगे उनको, तो मतलब हिंदी समझ। हेलो तो नमस्ते आंटी, नमस्ते। मतलब नहीं नहीं अभी भी हम लोग हॉन्ग विलेज में ही घूम रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमें कोई ऐसा बंदा नहीं मिला, मतलब कोई ऐसे अंकल या फिर आंटी नहीं मिले जो आपतनी ट्राइब्स के बारे में बता सके। अभी तक हमें जो भी मिले यंग जनरेशन से मिले जिनको मतलब कि बहुत ही ज़्यादा नहीं पता है। और अभी भी हम भाई ये जो हॉन्ग बस्ती है वहाँ पर घूम ही रहे हैं, देखो ये हॉन्ग ट्राइब है बस्ती है, तो यहाँ पर अभी भी हम घूम रहे हैं, खोज रहे हैं कोई ऐसा मिल जाए जो मतलब कि आपतनी ट्राइब के बारे में बता सके, तो देखते हैं भाई। और सभी लोग चले गए खेती करने के लिए, मतलब गाँव से बाहर हैं काम के लिए गए हैं लोग, कुछ लोग खेत पर गए हैं, तो गाँव में बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं हैं, तो देखते हैं भाई क्या होता है, अभी हम लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाती या फिर नहीं, लेट्स सी भाई। और ये आगे अभी हम लोग जा रहे हैं भाई